के मरीज़ के लिए मीठी चीज़ का परहेज़ ज़रूरी है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शुगर के मरीज़ कुछ मीठी चीज़ें भी खा सकते हैं। दोस्तों, हैप्पी ब्लूबर्ड चैनल में आपको खुश आमदीद। चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुगर के मरीज़ सबसे पहले ये जान लें कि इनको रोज़ाना कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। हर इंसान के लिए रोज़ाना कैलोरीज़ की ज़रूरत उसके काम और वज़न के मुताबिक होती है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि वो वक्फे वक्फे से कम कैलोरीज हासिल करें, एक ही दफ़ा ज़्यादा खाना ना खाएं। नॉर्मल इंसान दिन में 3 मरतबा खाना खाता है, लेकिन शुगर के मरीज़ खाने को 3 की बजाय 5 या 6 हिस्सों में तकसीम करें। एक ही दफ़ा ज़्यादा खाने से शुगर की मकदार बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन की मकदार कम हो जाएगी, लेकिन कम खाने से शुगर की मकदार भी मुनासिब हद में बढ़ेगी, जो इंसुलिन की कम मकदार से भी कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा खाने में ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार कम हो। कार्बोहाइड्रेट्स को 2 अकसाम में तकसीम किया जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इसमें चीनी और इससे बनी अशिया जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह शामिल होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली अशिया में अनाज और इससे बनी वाली अशिया जैसा कि दालें और चावल शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन और फैट्स से भी कैलोरीज हासिल होती हैं, तो इनका इस्तेमाल भी मुनासिब मकदार में करें। अक्सर शुगर के मरीज़ सुबह नाश्ते में रस और केक और ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं जानते कि ये इनके लिए कितना नुकसानदेह है। इन चीज़ों की जगह ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, जिसमें मैदे की मकदार कम और चोकर की मकदार ज़्यादा हो। शुगर के मरीज़ों के लिए बेसन, गंदम और जौ के आटे को मिक्स करके इसकी रोटी से बनाकर खाना खाएं, नहायत ही ये मुफीद है। चीनी के बगैर चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल करें। इसके अलावा ग्रीन टी भी इस्तेमाल करें। सब्जियों में तोरी, गोभी, प्याज और बैंगन वगैरह और तमाम हरी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये खून की कमी की सूरत में भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है। ऐसे फल इस्तेमाल करें जिनमें मीठे की मकदार कम हो, जैसा कि सेब, अनार, ग्रेप फ्रूट, पपीता वगैरह, लेकिन इनका इस्तेमाल भी मुनासिब मकदार में करें। रोज़ाना कोई एक फल इस्तेमाल करें, मसलन रोज़ाना या तो एक सेब खाएं या फिर पपीता या अनार। अगर शुगर कंट्रोल में हो तो सुबह और शाम भी एक एक खा सकते हैं। दोस्तों, सेब, माल्टा, ब्लूबेरीज, ग्रेपफ्रूट, नारियल, अमरूद, स्ट्रॉबेरीज, जामुन, चेरीज, आड़ू, पपीता, अंजीर, अनार, आमला और टमाटर। गोश्त में मछली का इस्तेमाल करें। मटन और बीफ मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें, लेकिन सिरी पाए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ये शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह हैं। और कोशिश करें कि ब्रॉयलर की जगह देसी मुर्गी इस्तेमाल करें। ज़्यादा तली हुई और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, जैसा कि पराठे, समोसे, पकोड़े, बर्गर, पराठा, पिज़्ज़ा, हलवा पूरी वगैरह। और खाने पकाने के लिए घी की जगह आयल इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और आयल वो इस्तेमाल करें जिनको बीजों से हासिल किया गया हो। कॉर्न आयल, सोया आयल, सरसों का और जैतून का आयल वगैरह। माश की दाल के अलावा तमाम किस्म की दालें खाई जा सकती हैं। अंडे भी बग़ैर जर्दी के आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप अखरोट, पिस्ता और बादाम खा सकते हैं। शुगर के मरीज़ दिन भर में तकरीबन 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिए, जो कि इनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, शुगर के मरीज़ों को इस बात की परेशानी रहती है और वो सोचती हैं कि इस बीमारी में बहुत सी खाने की चीज़ों पर पाबंदी लग जाएगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं जिनमें मीठे फल भी शामिल हैं, बस एहतियात की ज़रूरत है। खाना वक्फे वक्फे से और कम मकदार में आप खाएं। खाने में हरी सब्जियां, लहसुन, अदरक, दालचीनी, जैतून का तेल, मछली, जौ का आटा, ज्वार का आटा, काले चने और सब्जियां और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इन सब पर अमल करें और 1 महीने में फ़र्क आप खुद ही मालूम कर सकते हैं।
کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انسولین یا پھر شوگر کی میڈیسن سے شوگر کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، لیکن اس بیماری کو سمجھ کر اپنی غذا کی تبدیلی اور لائف سٹائل سے آپ اس مرض سے تقریباً نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، لائک اینڈ سبسکرائب۔